गुरुकुल में नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी आसाराम बापू पिछले 11 साल से जोधपुर जिले में कैद है, जिन्हें मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। लंबे वक्त से 10 से ज्यादा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे रेपिस बाबा को कोर्ट ने 7 दिन की पेरोल दी है, यानी 11 साल बाद आसाराम बापू को 7 दिन के लिए जेल से आजादी मिली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए, जिसका खर्च भी आसाराम को खुद ही उठाना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको वहाँ पर उपचार के लिए माधवबाग जाने के लिए, उपचार के लिए, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो भी खर्च होएगा वो पुलिस द्वारा इनको बता दिया जाएगा और उसके पश्चात ये खर्चा जमा कराने के पश्चात इनको पुलिस गार्ड उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि आसाराम को महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे के बीच खपोली स्थित माधव बाग होलिस्टिक हॉस्पिटल भेजा जाएगा, जहां हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुरुदत्त अमीन आसाराम का उपचार करेंगे। गौरतलब है कि 82 साल के आसाराम के हार्ट से जुड़ी दो नसों में 3 ब्लॉकेज है, जिसके कारण एम्स रिपोर्ट के अनुसार 6 बार हार्ट अटैक आ चुका है। छोटी आंत में अल्सर है, वहाँ से कई बार रक्त का रिसाव चालू हो जाता है, इसलिए उनका हीमोग्लोबिन स्टेबल नहीं रहता है। डायबिटीज भी है और लो बीपी भी हो जाता है, सोडियम की भी कमी है। इन सभी बीमारियों का महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में इलाज होगा। 7 दिन की ये पेरोल आसाराम 7 दिनों तक पुलिस हिरासत में अस्पताल में इलाज के लिए रहेगा। अभी एम्स में आसाराम का इलाज हो रहा है। बता दें कि जोधपुर के मनाई स्थित आश्रम में नाबालिग के साथ 15 अगस्त की रात को भूत प्रेत का साया हटाने के नाम पर आसाराम ने अपनी कुटिया में नाबालिग को डरा धमका कर उसके साथ छेड़छाड़ और ओरल सेक्स किया था। 20 अगस्त को दिल्ली के कमला नगर मार्केट पुलिस थाने में 0 नंबर की FIR दर्ज की गई। वो FIR जोधपुर पुलिस की कमिश्नरेट वेस्ट को भेजी गई। जोधपुर पुलिस की टीम ने 31 अगस्त 2013 को आसाराम के छिंदवाड़ा स्थित आश्रम से गिरफ्तार कर 1 सितंबर 2013 को जोधपुर ले आई। उसके बाद से लगातार आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। 11 साल बाद आसाराम को पेरोल मिलने पर उनके समर्थकों की जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिली। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहने वाला है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP लाइव प्रीमियम।